चलिए दोस्तों, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के कंसेप्ट को बहुत ही बेसिकली बताती है। बहुत अच्छा लगेगा आपको ये प्रॉब्लम करने के बाद। देखिए, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। चार पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, ए बी सी डी पर। चारों जगह पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ से ए पॉइंट से लेके आपको बी सी डी और फिर वापस ए पे आना है। ये सर्कुलर मोशन में ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, कोई गाड़ी या कोई भी कार ऐसे घूम रही है, कोई ट्रक घूम रहा है। अब यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, वन बाय वन लेके चलते हैं। देखिए, ये एक सिमेट्रिकल फिगर है। ए से लेके बी तक एक तरह से ना एक क्वार्टर है। ये पूरा सर्कल है, ये फर्स्ट क्वार्टर है। बी से सी तक सेकेंड क्वार्टर है, सी से डी तक थर्ड है, और डी से ए तक फोर्थ क्वार्टर है। पूरे सर्कुलर मोशन का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, पहले समझ जाइए। फुल सर्कल की लेंथ जो होती है, जो हम जानते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है, आर यहाँ पे गिवन है, 2πr पूरे सर्कल की लेंथ हो गई। अब ए से लेके बी तक अगर जाता है ऑब्जेक्ट, कार, कुछ भी जाता है, तो 1/4 डिस्टेंस कवर करता है। ये टोटल जो था 2πr था, इसका डिवाइड बाई 4 कवर करता है। ये कितना है, ए बी का आर्क, ये वाला आर्क। यहाँ से गाड़ी कार इसके ऊपर चल रही है, यहाँ तक पहुँची है। सो 1/4 ऑफ सर्कल को हम डिस्टेंस कहते हैं, जो ए से लेके बी तक जाएगा। ए से लेके बी तक क्या है, पाई आर बाई टू। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, डिस्टेंस ए से लेके सी तक देखिए क्या है। यहाँ से ए से सी तक क्या है, ये जब डिस्टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ से लेके पहले यहाँ तक गया बी से, फिर बी से लेके सी तक आया। ए से लेके बी तक क्या है, पाई आर बाई टू। बी से सी तक क्या है, पाई आर बाई टू। क्योंकि ये दो क्वाड्रेंट को एडिशन करा जा रहा है, यहाँ पे दो आर्क को जोड़ा जा रहा है, तो ए बी प्लस बी सी क्या बना, ए सी। ठीक है ना, इस तरह से ये बन गया। यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी तक हम पहुँच गए। सो पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू दो बार लिखा गया, तो कितना होगा, पाई आर। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, पाई आर। बिल्कुल ठीक है। अब थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड में क्या, ए से बी तक जा रहा है, बी से सी, और फिर सी से डी आ रहा है। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक तीन बारी पाई आर बाई टू को जोड़ा जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, 3πr/2 ये आ जाएगा। सो ए से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना है, 3πr/2। और जब हम ए से लेके वापस ए पे आएंगे तो कितना होगा, सिंपल सी बात है, चारों के चारों पाई आर बाई टू को जोड़ेंगे, 2πr। शुरू में ही बता दिया था पूरे सर्कल का डिस्टेंस कितना होगा, 2πr। इस तरीके से इसको करेंगे। डिस्टेंस के केस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आर्क के ऊपर ही चलेगा। ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट में क्या है, वही चीज़ है, सिमेट्रिकल फिगर है। ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए पे हम आ रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए। अब ए से लेके बी तक का देखिए डिस्टेंस क्या है। यहाँ पर ना डिस्प्लेसमेंट के केस में पॉइंट से पॉइंट की बातें होती हैं। तो ए से लेके बी तक देखिए, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, स्टार्टिंग पॉइंट है ए, एंडिंग पॉइंट है बी। तो इसका डिस्टेंस, इस लाइन का डिस्टेंस, इस लेंथ का डिस्टेंस हमें देखना है, तो वो कितना होता है। उस पॉइंट से पॉइंट के डिस्टेंस के कंसेप्ट को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ए बी यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, ये समझ लेते हैं। ए बी देखिए क्या है, यहाँ पे आपको आर दिया हुआ है, ये भी आर है, तो एक तरह का ट्रायंगल देखिए बन गया। यही ट्रायंगल मैंने ऐसे बना लिया यहाँ पे, इस तरीके से क्या है ट्रायंगल, ए ओ बी, ए ओ बी ट्रायंगल ऐसे बन गया। ए ओ क्या है, आर है, ओ बी क्या है, आर है, तो ए बी जो हाइपोटेनस है अंडर रूट 2πr हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर एंगल जो है 90 डिग्री का है, और ये इस तरह से हाइपोटेनिया, इस तरह से यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। यहाँ पर लगने के बाद ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, अंडर रूट 2 इंटू आर, ये बनेगा ए बी का डिस्टेंस। सो ए से लेके बी तक की जो लेंथ है वो कितनी होगी, अंडर रूट 2r। अब ए से लेके सी तक देखते हैं क्या है, ए से सी तक देखिए क्या है, हम पूरा आर्क नहीं घूमेंगे इसमें, ये डिस्प्लेसमेंट का केस है, पॉइंट से पॉइंट की बातें करेंगे। ए से सी तक क्या है, आर प्लस आर, दो बारी आर को जोड़ दीजिए, एक रेडियस ये वाला, एक रेडियस ये वाला, परफेक्ट है। फिर ए से लेके डी तक जब जाएंगे तो आर्क की बात नहीं करेंगे हम, सीधा ए से डी तक ऐसे ही पहुँच जाएंगे। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इस डेफिनेशन की देखिए बिल्कुल सही तुलना यहाँ दी जा रही है। सो ए से लेके बी तक जब हम पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे तो हमारा क्या है, इसी तरह का तो देखिए ट्रायंगल बन रहा है, जिस तरह का फर्स्ट वाले में बन रहा था ए से बी जाने में, इसी तरह का ट्रायंगल है, सेम चीज़ है। ये भी आर है, ये भी आर है, हाइपोटेनस आपको निकालना है अंडर रूट 2
आर आपको बनेगा। वापस करेंगे तो इसको देखिए लास्ट वाले में आएंगे, तो ए से लेके ए तक वापस वाले में वापस जाएंगे तो क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए ए इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से हम इसकी अंडरस्टैंडिंग दोस्तों ले सकते हैं, कंसेप्ट बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो इस तरह से हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। कंसेप्ट यहां पर बहुत ही सिंपल है, सिंपल हमें क्या करना है कि डिस्टेंस के केस में हमें आर्क को नहीं छोड़ना, आर्क के ऊपर चलते रहेंगे। डिस्प्लेसमेंट के केस में हमें पॉइंट से पॉइंट की बातें करनी है, ठीक है, कहीं इधर उधर मूव नहीं करना है। जब पॉइंट से पॉइंट की बातें करेंगे तो हमें क्या, हमेशा ज्योमेट्रिकल फिगर से डील करना पड़ेगा, याद रखिए। तो ज्योमेट्रिकल फिगर क्या है, यहाँ पे, यहाँ पर ट्राइंगल बनता है, ठीक है, उससे डील करेंगे। हाइपोटेन्यूज हमें मिल जाता है और पाइथागोरस थ्योरम भी इजीली यहाँ लग जाती है दोस्तों। इस तरीके से इस टाइप की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई, बहुत ही बेसिक तरीके से हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सीख लिया। अरे दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देख लेते हैं, ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है, काफ़ी एग्जाम्स में आपको दिखती है, बहुत अंडरस्टैंडिंग देगी ये वाली प्रॉब्लम भी आपको। देखिए क्या है, एक स्क्वायर फील्ड यहाँ बनी हुई है। स्क्वायर फील्ड, अगर हम स्क्वायर कहते हैं तो इसकी चारों साइडें बराबर होती है। एक साइड की लेंथ यहाँ पर 10 मीटर दी हुई है, ए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ, इनिशियल पोजीशन है। यहाँ से एक बंदा इस फील्ड में इस तरह से रन लगाएगा चारों तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, टाइम टेकन टू रन थ्रू द स्क्वायर फील्ड, इस आदमी को ये पूरी स्क्वायर फील्ड एक बारी रन करने के लिए 40 सेकेंड लगते हैं, मतलब 40 सेकेंड में यह आदमी पूरी स्क्वायर फील्ड का चक्कर लगा लेता है। अब यहाँ पे फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, जब 2 मिनट 20 सेकेंड खत्म हो जाएंगे उसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है इनिशियल पोजीशन से। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कॉमनली एग्जाम में आते हैं। कैसे करेंगे इसको, समझ लेते हैं, कंसेप्ट समझिए। देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पे क्या है, फील्ड मैंने बना दी, यहाँ पर इनपुट में मेरे पास क्या है, दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो स्क्वायर फील्ड है, इसकी लेंथ दी हुई है, और कितना टाइम लेता है यह आदमी पूरी फील्ड में दौड़ लगाने में। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो भी टाइम दिया हुआ है उसकी मैपिंग करेंगे, उसको मैच करेंगे किससे, कितनी लेंथ ये कवर करता है, ठीक है ना। तो 40 सेकंड के अंदर ये पूरी लेंथ कवर करता है, तो आइए उसको समझते हैं कितनी लेंथ कवर हो रही है, और फिर बाकी हमें निकालना क्या है, 2 मिनट 20 सेकंड में कितनी लेंथ कवर करेगा, ये देख लेते हैं। देखिए एक मूवमेंट है स्क्वायर फील्ड के अंदर, मतलब टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ स्क्वायर फील्ड है जहां पर ये घूमेगा, वो 40 सेकंड में कवर कर रहा है। टोटल जब सर्कमफ्रेंस, टोटल लेंथ की बात आई, टोटल जो फील्ड के जो बाउंड्री है उसकी बात आई, तो 4 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर, भाई हर साइड पे जाकर घूमेगा तो 4 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 m, 10 क्या है, 1 मीटर, एक साइड की लेंथ है, तो 4 इंटू 10 m इज इक्वल टू 40 सेकेंड। सो यहाँ पर क्या है, 40 मीटर किसके बराबर हो गया, 40 सेकेंड, 1 मीटर में ये 1 सेकेंड यहाँ पर चलेगा, ठीक है, 1 सेकेंड यहाँ पर दौड़ेगा, सॉरी। अब यहाँ पर क्या, देखिए मैपिंग कर ली हमने इसकी लेंथ की इसके टाइम के साथ में, तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड भी हम लगा सकते हैं। देखिए 1 1 दोनों जगह रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, टाइम देखिए यहाँ पर क्या है, 2 मिनट 20 सेकेंड, 60 इंटू 2, मिनट्स को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि यहाँ की वैल्यू सेकंड में रखी हुई है, प्लस 20, टोटल क्या 120 प्लस 20, 40 सेकंड आ गए, 140 सेकंड आ गए। 140 सेकंड के बाद क्या सिचुएशन होगी समझते हैं। 140 सेकंड को मैंने यहाँ पर 40 से डिवाइड किया, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 140 सेकंड को जब मैं 40 से डिवाइड करूंगा मुझे ये पता चलेगा कि वो कितने कंप्लीट राउंड लगा चुका है। एक राउंड लगाने के लिए 40 मीटर यहाँ पे लगते हैं, एक राउंड लगाने के लिए उसको 40 सेकंड लगते हैं, तो 140 सेकंड और 140 मीटर सेम है, यहाँ पर 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेकंड था। टोटल यहाँ पर कितना बना, 140 को डिवाइड करूंगा 40 से, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बनेगा, जैसे मैंने देखिए 40 इंटू 3, 120 आ गया, 120 को 140 से माइनस कर दिया, 20 रिमाइंडर बनेगा, 20 रिमेनिंग हो जाएगा, मतलब वो दो राउंड कंप्लीट लगाएगा, सॉरी 3 राउंड कंप्लीट लगाएगा, 40 40 के 3 राउंड कंप्लीट लगाएगा, और 3 राउंड लगाने के बाद उसके पास और 20 मीटर यहाँ पर बच जाएंगे, ठीक है, और 20 मीटर मतलब और 20 सेकंड इसके पास बच जाएंगे। क्या करेगा वो, देखिए जब वो कंप्लीट 3 राउंड लगा के आया तो उसके पास ए पॉइंट पे देखिए यहाँ पर वापस आ गया, और 20 मीटर उसे दौड़ना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा,
समझ में आई? तो उसकी जो फाइनल पोजीशन होने वाली है वो पॉइंट सी तक होगी, समझ गए बात को? तो पहले यहाँ से यहाँ 10 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 10 मीटर, तो रिमाइंडर ये वाले 20 जो मीटर है, ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है 20 मीटर, 3 कंप्लीट राउंड और फिर 20 मीटर रिमाइंडर, इस तरह से इसको समझेंगे। इनिशियल पोजीशन यहाँ से दी हुई थी, सो इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन सी है, तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर बना है देखिए, फिर से एक तरह का ट्रायंगल यहाँ बनता जा रहा है। मैं कह रहा था ना आपको कि रिमाइंडर के केस में ज्यादातर आपको ट्रायंगल देखने को मिलेगा, स्क्वायर का केस है तो एक राइट ट्रायंगल यहाँ देखने को मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए सी की लेंथ यहाँ पे, ठीक है ना, राइट ट्रायंगल यहाँ बन रहा है ए बी सी, ए बी सी राइट ट्रायंगल में से ए सी निकाल लेंगे। ए सी क्या है, हाइपोटेनियस है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 10 10 दोनों की लेंथ है, ये आ जाएगा 100 100 प्लस 20 का अंडर रूट आ जाएगा 10 अंडर रूट 2, सो ए सी की लेंथ कितनी रहेगी, 10 अंडर रूट 2 मीटर, यही है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टैंडिंग आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, क्या करना है, जो 140 सेकंड है आपको दिए हुए हैं, क्योंकि 2 मिनट 20 सेकंड इज इक्वल टू 140 सेकंड, उसको ब्रेक करना है, उस 140 मीटर को ब्रेक करना है। जब ब्रेक करेंगे तो कंप्लीट राउंड हमें देखना है, चाहे 3 राउंड कंप्लीट हो गए, बचा हुआ रिमेनिंग वो जब दौड़ेगा तब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, समझ गए ना, क्योंकि 3 राउंड में तो डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो जाने वाला है, वहां तो कैलकुलेशन कुछ नहीं बनती। चौथा जब राउंड लगाने लगा तो 20 मीटर लगाने के बाद जब वो कंप्लीट कर लिया 2 मीटर 20 सेकंड में, तब हम उसको कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंड लेंगे और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को और बढ़िया से समझ सकते हैं। ये प्रॉब्लम समझ लेते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से जुड़ी हुई काफ़ी अंडरस्टैंडिंग देगी, कंसेप्ट को क्लियर करेगी प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर क्या है, सर्कुलर ट्रैक बनाया गया है, एक जॉगर, एक आदमी यहाँ पर जॉग कर रहा है सर्कुलर ट्रैक में, देखिए इस तरह से दर्शाया गया है इसको, इस तरह से दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखिए इनपुट में क्या है, कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, एक पूरा राउंड ये बंदा कंप्लीट करता है 40 सेकंड के अंदर। डायमीटर ऑफ इट सर्कुलर ट्रैक कितना है, 200 मीटर, 200 मीटर का इसका कंप्लीट डायमीटर ये दिया हुआ है। पूछा क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद ये आदमी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले समझ लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हमने बना दिया, 200 मीटर डायमीटर था तो रेडियस कितना हो गया, 200 मीटर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 100 मीटर, रेडियस आ गया हमारे सामने। एक राउंड लगाता है 40 सेकंड में, एक राउंड का मतलब क्या है, कितनी लेंथ है एक राउंड के अंदर, 2πr इज इक्वल टू 40 सेकंड, 2π × 100 इज इक्वल टू 40 सेकंड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक सेकंड की हम बात करें तो 2π डिवाइडेड बाय 2π को यहाँ पे क्या किया, 200π कर दिया, 2 × 100 कर दिया, 200π × 40 कर दिया, तो एक सेकंड में 5π मीटर ये चलेगा, 5π मीटर ये दौड़ेगा, जॉगिंग कर रहा है ना इसलिए दौड़ लगानी है इसको, दौड़ लगा रहा है साहब, एक सेकंड के अंदर इतनी दौड़ हमने इसकी देख ली। अब 2 मिनट 20 सेकंड में कहां तक पहुंचेगा, 2 मिनट 20 सेकंड को देखिए मैंने क्या किया है, 120 सेकंड और 20 सेकंड में यहां पर मैंने इसको काट दिया, मतलब टोटल कितना है, जब मैं इसको सेकंड की बात करता हूं तो पहले मिनट में कन्वर्ट किया, 2 मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट किया 120 सेकंड, फिर 20 सेकंड लिखा था, फिर ये 140 सेकंड यहां इसको ऐड करने के बाद बना। 140 सेकंड को देखें अगर आप, तो एक सेकंड में 5π, 140 सेकंड में क्या 5π × 140, सिंपल सी बात है 700π मीटर आपका यहाँ ये डिस्टेंस कवर करेगा इतने 140 सेकंड मतलब 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर, यही यहाँ पर देखिए दिया है 700π, डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू 700π, पाई क्या करेंगे 22/7 की वैल्यू रखेंगे, 2200 मीटर यहाँ पाई की वैल्यू, यहाँ 2200 मीटर यहाँ डिस्टेंस कवर आ जाएगा, इतना यह आदमी जॉग करके डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 140 सेकंड में देखिए ये कितने राउंड लगाएगा, 140 को पहले 40 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या बनेगा, 3 राउंड कितने लगेंगे, देखिए 3 रिमाइंडर क्या बनेगा, सॉरी 20 राउंड कितने लगेंगे, 3 कैसे लगेंगे, 3 राउंड देखिए 40 × 3 + 20, 120 + 20, तो यहाँ पर 3 ये पहले कंप्लीट राउंड लगा लेगा, रिमेनिंग जो इसको बचेगा, रिमेनिंग जो यहाँ पर टाइम बचेगा 20 सेकंड, उसमें ये क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट समझना, क्योंकि जब 3 कंप्लीट राउंड लगाएगा तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाएगा अपने, ठीक है ना, जब 3 कंप्लीट राउंड लगाएगा तो यहाँ से घूम के पूरा स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, फिर दूसरा राउंड लगाएगा, फिर तीसरा राउंड लगाएगा, जब चौथा राउंड लगाने जाएगा तो 20 सेकंड में कहां तक पहुंचेगा ये हमें समझना है, ठीक है, समझ आ गई ना बात को। तो एक सेकंड में 5π, 20 सेकंड में कितना 5 × 20, 100π मीटर ये चलेगा,
फिर से बोल रहा हूँ, दौड़ेगा 100 पाई मीटर ही दौड़ेगा क्योंकि जॉगिंग कर रहा है। एक यही चीज़ देखिए यहाँ पे, 100 पाई मीटर की लोकेशन क्या है ये इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया था, इसकी जो फुल सर्कल में 2πr था, ठीक है, 2πr मतलब 20π था। अब सेमी सर्कल में क्या होगा, इसको डिवाइड बाय 2 किया तो 100π हो गया। तो लोकेशन क्या है, 100π की 100π की लोकेशन है कि जॉगर दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा डायमीटर के, यहां से शुरू होके इस वाले एंड पे जॉगर पहुंच जाएगा 200 मीटर। यहां पर ये इसकी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि हमें पॉइंट से पॉइंट की बात करनी है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट बिल्कुल सामने वाला होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो डायमीटर होगा, वो 200 मीटर यहां बनेगा। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 200 मीटर, डिस्टेंस क्या है, 2200 मीटर। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंडिंग बड़ी सिंपल है, कंसेप्ट देखिए, डिस्टेंस का कंसेप्ट तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में ये 3 राउंड लेगा, ये हमें गौर करना है, ये हमारा फोकस है, ठीक है। 20 जो रिमेनिंग है उसको हमने निकाल लिया, 5π करके मल्टीप्लाई किया 20 से, 100π आ गया। ये 100π अपोजिट डायरेक्शन में जितना भी डायमीटर है उस तक पहुँच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए फुल सर्कल की निकाली थी, फिर सेमी सर्कल की पता चल गई पोजीशन क्या है। सो पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है डिस्प्लेसमेंट के केस में। डिस्टेंस तो सिंपल है निकालना, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। इस तरह से इस टाइप की प्रॉब्लम को हम कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की रिलेशनशिप देखते हैं इस प्रॉब्लम में। देखिए क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात हमेशा आपको आती है कि ये क्या रिलेशन आपस में रखते हैं। डिस्टेंस ये देखिए, मैंने ऑप्शंस में ABCD ऑप्शंस में इनके रिलेशंस बता दिए। देखते हैं एग्जांपल से कौन सा रिलेशन यहाँ पर इसको एग्जैक्टली मैच करता है। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, क्या डिस्टेंस बड़ा है, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी है, बड़ा भी है, और यहाँ पर देखेंगे क्या ये डिस्प्लेसमेंट इससे बड़ा होता है डिस्टेंस से। चारों ऑप्शंस को यहाँ पर देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इसका रियल आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, सी होने वाला है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं। क्यों, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी जर्नी को, किसी भी डिस्टेंस को कवर करने का पॉइंट से लेके पॉइंट तक का एग्जैक्टली जो पोजीशन होती है, पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस। मतलब कि आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट के केस में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, सर्कुलर शेप में कितना भी हम घूमते रहें, मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ तक हमें एंडिंग पॉइंट तक जाना है, तो हम कितना भी घूमते रहें हमारा डिस्प्लेसमेंट ये वाला होने वाला है। सिमिलरली अगर मान लेते हैं हम रास्ते में जिगजैग मोशन में जा रहे हैं, तो डिस्टेंस तो जिगजैग मोशन होगा पर डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो अब देखिए मान लेते हैं मार्केट जा रहे हैं, कितना लंबा डिस्टेंस मान लेते हैं कवर करते हुए जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। बट आप अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सिंपल, आप यहां से गए मार्केट से सीधा वापस आए, बीच में कुछ नहीं इधर उधर जाना, तो ये डिस्प्लेसमेंट की अंडरस्टैंडिंग होती है। समझ गए पॉइंट टू पॉइंट का मैं मतलब क्या कह रहा हूँ, जहाँ से शुरू हुआ फिर एंड तक, वहाँ तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक जाने को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये एक पॉइंट से पॉइंट का कंसेप्ट है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब जैसे मैंने आपको दोनों एग्जांपल से बताया, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधा चलना है, इसने कहीं इधर उधर नहीं जाना। सर्कुलर मोशन के केस में भी, जिगजैग मोशन के केस में भी यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब देखिए स्ट्रेट लाइन का अगर कंसेप्ट आता है, ठीक है, दो तरह के मोशन हो गए। अगर हम देखें स्ट्रेट लाइन मोशन में देखें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। भाई स्ट्रेट लाइन के केस में अगर मैं देखूं, डिस्टेंस तो है ही है सेम, एग्जैक्टली सेम चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी तो यही कहता है मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ जिगजैग मोशन नहीं है, ठीक है। जब हम यहाँ पे देखें तो ये सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि वो जिगजैग वे में जा रहा है, उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो कहीं ना कहीं मान लेते हैं मार्केट जा रहा है, कहीं अपने दोस्त से मिलने चला गया, कहीं अपने किसी और फ्रेंड से मिलने चला गया, कहीं अपने बुक्स की दुकान पे चला गया, कहीं कहीं आइसक्रीम खाने चला गया, तो जिगजैग मोशन में घूमता फिरता आराम से जा रहा है डिस्टेंस वो अपना मार्केट तक, फिर मार्केट से वापस आएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने इसकी जर्नी को देखा, वो देखा दो तरीके से, एक तो जिगजैग मोशन में जो मैंने अभी बताया कि घूमता फिरता जा रहा है, एक एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट मोशन में। जो पॉइंट टू पॉइंट मोशन होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो हमेशा
ऐसे वाले केसेस में हमेशा छोटा होगा, डिस्टेंस बड़ा होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको लेने में ज़्यादा टाइम लगता है, डिस्टेंस बड़ा होने वाला है। तो इस केस में हमें ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सूट करता है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन मोशन में, और हमेशा बड़ा भी हो सकता है अगर जिगजैग मोशन की बात करी जाए तो, ठीक है ना। इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं दोस्तों। आइए इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं दोस्तों, इसके कॉन्सेप्ट को भी बताता हूँ मैं आपको। देखिए, एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट और एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट से हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी समझ सकते हैं। कैसे, ये प्रॉब्लम समझाता हूँ। देखिए, पॉइंट यहाँ पर ओ दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, ये यहाँ पर एक बार बनाया हुआ है। नीचे में क्या बनाया हुआ है, ये 0, 2, 4, ये क्या हुआ, टाइम दिया हुआ सेकेंड्स में। ऊपर क्या है, कितना डिस्टेंस ये कवर हो रहा है। मान लेते हैं एक आदमी यहाँ से, एक कार यहाँ से चल रही है, वो ओ पोजीशन से चल रही है, वो 0, 40, 80, 120 यहाँ से होते हुए ये पूरा डिस्टेंस इसमें कवर करेगी। पॉइंट्स क्या क्या हैं उसके, ओ यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, पी यहाँ पर है। तो मान लेते हैं वो यहाँ से ओ से पी और पी से वापस क्यू आता है, उसकी जो जर्नी है वो ओ से पी तक है, फिर पी से क्यू वो वापस आता है, ऐसी जर्नी वो कवर करता है। तो इस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहला जो केस है उसमें हमें ढूंढना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या है, ओ से लेके पी तक जाने की एवरेज वेलोसिटी, ओ से लेके पी तक जाने की एवरेज स्पीड। दूसरे केस में हमें क्या ढूंढना है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, जब वो ओ से लेके पी तक जाएगा, पी से लेके क्यू तक आएगा। समझ आ गई बात को, ओ से लेके पी तक जाएगा, पी से क्यू तक आएगा, उस केस की एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हमें ढूंढनी है। दो यहाँ पर प्रॉब्लम हमें यहाँ दी हुई है, दो केस हमसे पूछे गए हैं। कैसे करेंगे, फर्स्ट केस पे चलते हैं, ओ पी निकाल लेते हैं। देखिए, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ओ पी हमें निकालना है। एवरेज वेलोसिटी मैं कैसे निकालूंगा, ओ पी डिवाइड बाई टाइम। ओ पी क्या है आपका, ये देखिए मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया है जो शुरू में दिया हुआ था। ओ से लेके पी तक जाने का आपके पास एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो ओ पी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, इसके लिए आपको पोजीशन चाहिए होगी, डिस्प्लेसमेंट आपको पोजीशन देगा। ओ से लेके पी तक जाने का देखिए क्या है, 0 से लेके 360 तक आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो 360 वैल्यू हो गई इसकी। टाइम कितना है, 0 से लेके 18, ठीक है ना, ये टाइम हो गया, तो टाइम हो गया 18 सेकेंड। डिस्टेंस कितना हो गया, 360, मतलब डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन मोशन है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, आप जानते हैं कंसेप्ट, तो ये डिस्प्लेसमेंट 360 हो गया। 360 डिवाइड बाई 18 कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड पे आ जाते हैं इस केस में। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड तो सिंपल है, ओ पी का केस है, डिस्टेंस कितना होगा, 360, टाइम 18 सेकेंड होगा, 20 मीटर पर सेकेंड, सिंपल होने वाला, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, कहीं इधर उधर जाने वाला है नहीं। सेकेंड वाला केस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देने वाला है, ओ से लेके पी तक जाएगा पहले, फिर पी से वापस आएगा, घूम के यू टर्न लेके वापस आएगा। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखिए समझिए इसको, ओ से लेके पी तक गया, पी से लेके क्यू तक, वो क्यू पे वापस आया, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टाइम भी देखिए ऐसे देखिए, ओ से पी, पी से क्यू, डिस्प्लेसमेंट यहाँ होने वाला है ओ से लेके क्यू तक की लेंथ। स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, एंडिंग पॉइंट है क्यू, ये देखिए कितनी हो जाएगी, 0 से लेके 240 ऊपर हो गई। अब यहाँ पर टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखने वाला, टाइम कितना लगेगा, टाइम इसकी पूरी जर्नी का हम लेंगे, क्योंकि टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, वो पूरी लेनी पड़ेगी। तो ओ से लेके पी, पी से लेके क्यू, तो 240 तो ऊपर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ऊपर नीचे 18+6 आएगा, 18 जाने का पी तक, ओ से पी तक, फिर पी से क्यू आने का 6, तो 240/24 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी आती है। एवरेज स्पीड अगर मैं देखूँ तो ओ से पी, पी से क्यू आ गया डिस्टेंस, ठीक है ना। एवरेज स्पीड के लिए मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ओ से पी जाएगा, पी से क्यू जाएगा, सेम तरीके से ये टाइम भी चलेगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, 360+120, तो या ओ से लेके पी तक जाने में 360 डिस्टेंस कवर किया, वापस आने में 120, पी से क्यू 120, 360 से लेके 240 पर वापस आएगा, तो कितना है ये, 360-240=120। सो पहले यहाँ से पी तक देखें 360 हो गया, 360 से वापस देखें 240 तक, तो 120 हो गया। 120 समझ में आ गया ना कैसे निकाला है, 360-240 वापस आने का डिस्टेंस।
240 यहाँ पर, 480 यहाँ पर रख दिया हमने, इनको ऐड किया 360 प्लस 120 को डिवाइड बाई 24, 24 तो टाइम था ही, यहाँ 24 सेकेंड पी तक जाने का, फिर क्यू तक आने का। सो 480 बाई 24 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ये यहाँ पर इसकी क्या हो जाती है, एवरेज स्पीड हो जाती है।